किसान भाई, और शाही लीची की खेती कैसे किया जाता है, शाही लीची का पौधा कैसा होता है, शाही लीची कैसा होता है, किस प्रकार से पौधा को ट्रांसप्लांट करना चाहिए, कब इसका पौधा लगाया जाता है और कैसा इसका रंग होता है, शाही लीची इसे क्यों कहा जाता है, उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं शाही लीची का जो पौधा होता है वो कब लगाना चाहिए। शाही लीची का जो प्लांट होता है, अगर आप नर्सरी से इस प्रकार का ग्राफ्टिंग प्लांट लगाते हैं तो लगाते ही जैसे सीजन आता है वैसे फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। वही बात करते हैं अगर 3 फीट से छोटा पौधा है तो उसे फ्रूट न ले, पौधा मैच्योर हो जाने के बाद ही जो है उसे फ्रूट लेते हैं तो आपको पौधा का कोई नुकसान नहीं होता है और ग्रोथ भी अच्छे खासे करने लगता है। तो अब बात वही आती है कि कितने फीट का जो पौधा होता है वो हो जाने के बाद आपको फ्रूट लेना है, तो पौधा का हाइट जो है 5 फीट से ऊपर चला जाए तब उससे आप हार्वेस्टिंग यानी फल ले सकते हैं, फल की तुराई कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल तक ऐसे करके जो होता है धीरे धीरे इसका क्वांटिटी जो होता है वो बढ़ते रहता है, तो फल जो होता है 5 फीट का पौधे से आप ले सकते हैं। लीची का जो प्लांट होता है और पौधे के मुकाबले इसका ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे करता है, इसलिए लीची का पौधा जो होता है अगर आप ले रहे हैं लगा रहे हैं तो 3 फीट से ऊपर का पौधा प्लांट जो है नर्सरी प्लांट को लगाए तो 3रे 4थे साल से जो है लगाने के बाद वो फ्रूट देना स्टार्ट कर देती है, तो उससे आपको हार्वेस्टिंग कर लेना है। क्योंकि अगर 3 फीट का पौधा लेते हैं तो 2 से 2.5 साल का वो पौधा होता है, 2 साल अगर वेट करते हैं उसके बाद 4 साल होता है, 4 साल में वो पौधा जो होता है लगभग 5 फीट से ऊपर का हो गया होता है, 6 फीट तक का हो जाता है, तब उसे हार्वेस्टिंग लेते हैं तो अधिक दिनों तक आपको उससे फ्रूट मिलती है। वही बात करते हैं दोस्तों इसका पौधा को ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो जून जुलाई का जो महीना चल रहा होता है उस महीने एक गड्ढा खोद करके 2 फीट के लंबाई चौड़ाई में आपको गड्ढा खोद लेना है, उसमें से जो मिट्टी निकलता है और 1 फीट गहराई उसका उस गड्ढे की, और उसमें से जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी में सरा हुआ गोबर के खाद और उसमें मिट्टी में मिला करके और सभी को मिला करके उसको भराव करना होता है। और ये काम आपको पौधा लगाने से 1 महीना पहले, अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो 1 हफ्ता पहले भी कर सकते हैं। अगर तुरंत करना चाहते हैं तो उसमें फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड पाउडर फॉर्म में आता है या दानेदार फॉर्म में जो आता है उसको 2 से 4 ग्राम मिला करके और सभी को मिट्टी में मिक्स करके और मिट्टी के भराव कर दे, और भराव करने के बाद तुरंत उस पर पानी दे करके और 1 हफ्ते के लिए आपको छोड़ देना है। 1 हफ्ते के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 हफ्ते के बाद जो होता है जितने भी उसमें गैस बना होता है वो निकल जाता है, मिट्टी ढंग से अब्जॉर्ब होकर नीचे बैठ जाता है। 1 हफ्ते के बाद उस गड्ढे के बीच में 1 सेंटर में खुदाई करें। खुदाई आपको उतना करना है कि शाही लीची का जो ग्राफ्टिंग प्लांट का जड़ में जितना मिट्टी लगा होता है उस आकार का गड्ढा उसे थोड़ा सा बड़ा खोदे और उसमें उसको डाल करके और चारों साइड से मिट्टी गिरा करके एयर टाइट करके तुरंत उसमें पानी आपको दे देना है। इस प्रकार से करते हैं तो आपका जो प्लांट होता है वो महीने दिन में वो लग जाता है, और जून जुलाई का महीना जो होता है मानसून वाला रेनी सीजन होता है उस समय पौधे का फास्ट ग्रोथ भी हो रहा होता है और पौधा भी लग जाता है, तो उस समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर पौधा लगाते हैं तो। वैसे आपके यहाँ के जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 25 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है उस समय भी आप इसका पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और किसान भैया, वही बात करते हैं शाही लीची का रंग जो होता है वो बिल्कुल लाल होता है, लाल कलर का होता है और गोला आकार का लीची होता है, और लीची में गुदा का मात्रा जो होता है ज़्यादा होता है, गुठली का साइज होता है थोड़ा छोटा होता है, और ये वैरायटी जो है कि मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक किया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लीची के वैरायटियाँ जैसे चैनी लीची का जो वैरायटियाँ है और लीची का जितने भी वैरायटियाँ है सभी वैरायटी का लीची की खेती मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कि और लीची के आने वाला है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।